हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एंड टेस्टी वेज चीज़ी सैंडविच, जो कि आप सब बहुत ही आराम से बना सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करें। ये बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है और इसमें बहुत सारे वेजीज हैं, तो ये टेस्टी और हेल्दी तो बिल्कुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे वेज चीज़ी सैंडविच के लिए सबसे पहले हम लोग स्टफिंग तैयार करेंगे। एक बाउल ले लिया है जिसमें मैंने एक कटोरी कैबेज को ग्रेट करके ऐड कर दिया है। कैबेज ऐड करने के बाद ग्रीन और रेड शिमला मिर्च को भी मैंने यहाँ चॉप करके इसमें ऐड किया है, और एक प्याज को बारीक काट के इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। एक टमाटर जिसका पल्प निकाल के मैंने इसे चॉप कर दिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ मैंने 3 चम्मच मेयोनीज इसमें ऐड किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगा, और 1 चम्मच सेजवान चटनी और 1 चम्मच रेड चिली सॉस, थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें सॉल्ट ऐड कर लीजिए। अब इन सारी चीजों को करीब 1 से 2 मिनट तक हमें इसे मिक्स करते रहना है। तो हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है और ब्रेड को हम लोग सेक लेंगे। आप बटर या घी किसी का भी यूज कर सकते हो। यहाँ मैंने ग्रीन चटनी इसके ऊपर सबसे पहले लगा दी है। और अब है स्टफिंग की एक लेयर बनाने की बारी। यहाँ मैंने स्टफिंग से भी इस पे एक अच्छी सी लेयर बना दी है। अब यहाँ मैंने प्रोसेस चीज का यूज किया है और इसे ग्रेट करके उसके ऊपर एक लेयर बना देंगे। अब यहाँ हम एक और ब्रेड लेंगे और इसके ऊपर इसे रखकर इस पर हम सेजवान चटनी लगा देंगे। सेजवान चटनी लगाने के बाद फिर से हम इस पे एक स्टफिंग की लेयर लगा देंगे और ग्रेट चीज से हमें इसे कवर कर देना है। तो एक और ब्रेड से हमें इसे कवर करना है और इस पे हम थोड़ा सा सेजवान चटनी लगाएंगे और बहुत सारे चीज से इसे कवर कर देंगे। अब थोड़ा सा चिली फ्लेक्स लेंगे और इसे इस पे स्प्रिंकल कर देंगे। अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है तो आप इस पे ज़्यादा भी चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा सा ओरिगैनो, और आप रेड और ग्रीन शिमला मिर्च से इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने एक पैन को 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया था, और अब हम इसमें इसे रख देंगे और अब हम इसे चीज मेल्ट होने तक बेक करेंगे। यहाँ मैंने एक प्लेट इसमें रखा है ताकि नीचे की जो लेयर है ब्रेड की वो जले ना। तो रेडी हमारा वेज चीजी सैंडविच। आपको यह रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।